नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रे चले हुए हैं और इन नवरात्रों में सभी लोग चाहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति अपने ऊपर बनी रहे और उनके परिवार का कल्याण हो। और साथ ही यही वे दिन होते हैं जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं, जिसमें माता भगवती की कृपा आपके परिवार पर बरसती है और आपका घर धन संपदा और अन्य प्रकार के सुखों से भर जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं जो नवरात्रों में करने से माता दुर्गा की शक्ति ज़्यादा प्राप्त होती है। साथ ही अगर आप बजरंग बली जी की शक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ उपाय है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑलवेज ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार जी और बालाजी महाराज से जुड़ी और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। अगर आप भी नवरात्रों के दिनों में बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो लोगों का यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। तो नवरात्रों में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने यानी हनुमान जी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। दोस्तों, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो आपके घर में जो भी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है उनके सामने आपको तेल के दीपक जलाना है और उस दीपक में दो लौंग डालनी है और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का 3 या 7 बार जाप भी करना है। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करनी है मन ही मन और मन ही मन हनुमान जी को अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बता देनी है। और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को कर लेने से बजरंगबली के दरबार में सुनवाई जल्दी ही हो जाती है और जल्द ही आपको मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है और आप पर हनुमान जी की कृपा बरसने लगती है और बुरी और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर में अजीब या नकारात्मक माहौल बना हुआ है तो आपको ये सभी उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध है। और साथ ही घर के सभी सदस्यों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो नवरात्रों में लोगों का यह उपाय आपकी हर समस्या को दूर कर सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि आपको लौंग और कपूर का धुआं भी अपने पूरे घर में पूरे नवरात्रे करना चाहिए और लौंग का धुआं करते समय आपको मन ही मन माँ दुर्गा का नाम लेते रहना चाहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, ये जाप आपको तब तक करना जब तक लौंग का सारा धुआं घर में पूरी तरह से दिखाई ना देने लग जाए। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सारी बाहर हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी और आपके घर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा और देवी ऊर्जा आने लगेगी, साथ ही माँ दुर्गा का वास आपके घर में होने लगेगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और ये 4 उपाय बहुत ही शक्तिशाली और अति शीघ्र फल देने वाले उपाय हैं। और तो आपको बता दें कि आप इस उपाय का नवरात्रों के किसी भी दिन कर सकते हैं या पूरे नवरात्रे भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप यह उपाय पूरे 9 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम नवमी के दिन आपको यह उपाय ज़रूर करना होगा। अगर आप 9 दिन के उपाय नहीं कर सकते हैं तो नवमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो भी आपके घर पर माता दुर्गा की शक्ति बरसती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और बहुत अच्छी बात है। अगर आप 9 दिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो यह उपाय और भी अच्छा साबित होता है। अगर आपकी नौकरी में बाधा आ रही है तो ये शीघ्र ही दूर हो जाएगी और जल्द ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय। अगर आप इनको करते हैं तो बालाजी महाराज की कृपा बरसती है और साथ ही माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और साथ ही आपकी जितनी भी रुकावटें हैं, ग्रह क्लेश है, कर्ज मुक्ति है और साथ ही अगर आपकी नौकरी में भी बाधा आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, एक बार ज़ोर से जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है इन उपायों को करते समय। इन उपायों को आपको स्वच्छ मन और स्वस्थ तन से करना है। आपके मन में किसी भी प्रकार के गंदे विचार न और नहा धोकर सुबह सुबह के समय ये उपाय आपको करना होता है। साथ ही आपको बता दें कि बालाजी महाराज और अगर आप माता दुर्गा की और भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रों में आप व्रत भी रख सकते हैं, मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑलवेज ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और हनुमान जी महाराज की और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।
तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी।